बताने वाले हैं थोड़ी सैड न्यूज़। सैड न्यूज़ इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी का 3 बार चालान कट गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार 4,000, दोबारा 500, फिर तीसरी बार 1,600, यानी कुल मिला के हमने को 6,100 रुपये जमा करना है। भाई जमा भी कर दिया है, क्या करें, गलती तो हमारी है, किसी न किसी कारण से हमारी कमियों के कारण ही चालान कटा है। आखिर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो चालान कट गया, ओवर ड्राइविंग की तो चालान कट गया, गाड़ी तेज चलाई तो चालान कट गया, नियम के विपरीत गाड़ी चलाई तो चालान कट गया, किसी न किसी से हमारी गाड़ी का चालान कट ही जा रहा है। दोस्तों हमने तो चालान जमा कर दिया, लेकिन हम आपको सतर्क जरूर करेंगे कि नियम को फॉलो कीजिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, ताकि मेरा तो कट गया आपका ना कटे, कम से कम आप तो इस चालान से बच सके। मैंने लापरवाही की, मैं भोग रहा हूँ, मैंने 6,100 रुपये जमा कर दिया। आप लोग इस चक्कर में ना फंसिए और अपना चालान, अपना पैसा सुरक्षित कीजिए। दोस्तों ये देखिए मेरे चालान का डिटेल मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए मेरी गाड़ी का चालान, सबसे पहला चालान मेरा 1,600 का कटा था, उसके बाद दूसरा चालान मेरा 500 का कटा था, और तीसरा चालान मेरा अभी लेटेस्ट कटा है 4,000 का। जी हाँ, तीनों चालान में किसी ना किसी कारण सीट बेल्ट थी, उसके बाद ड्राइवर के बगल में जो बैठे रहते हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, उस कारण भी चालान कट गया। एक कारण मेरा ओवर ड्राइविंग था, उसके कारण भी चालान कट गया। तो 2 बार मेरा इंश्योरेंस नहीं था मेरे पास, हालांकि इंश्योरेंस मेरे पास घर में था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम मैं उनको नहीं दे पाया, इसलिए भी मेरा चालान कट गया। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा, सारे कागजात रखिए, घर पर रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी सारे कागजात थे लेकिन घर पर थे, तो लापरवाही इसको कहेंगे। लापरवाही के कारण आज मैंने 6,100 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने केवल 1,600 का पेमेंट और 500 का पेमेंट कर दिया है, जबकि मेरा 4,000 का पेमेंट अभी बाकी है। धीरे धीरे पैसा जुटाऊँगा, इकट्ठा करूँगा, फिर 4,000 भी जमा करूँगा, करना तो है ही, गलती अपनी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें, नए सितंबर के नए नियम फॉलो हो गए, नए नए नियम आ गए, सितंबर से नया लागू हो गया है नियम, जिसकी वजह से बहुत अधिक चालान किया जा रहा है, हाई चालान है, काफ़ी अमाउंट काफ़ी हाई कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आप 2-व्हीलर चलाइए तो हेलमेट ज़रूर लगाइए, प्रदूषण का कागज़ लीजिए, RC का कागज़ लीजिए, दोस्तों कोई कागज़ छोड़िए मत, इंश्योरेंस वगैरह सब आपके पास होना चाहिए। इसी तरह गाड़ी जब भी चलाइए, आगे के दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तेज़ गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि मेरी तेज़ गाड़ी चलाने पे चालान कट चुका है। और दोस्तों प्रदूषण के कागज़ है, इंश्योरेंस का कागज़ अपनी गाड़ी में हर समय रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं रखा था, मेरा चालान कट गया, इसलिए मैं आपको भी सतर्क कर रहा हूँ कि चालान अपने साथ रखिए, ताकि आपकी गाड़ी का कम से कम चालान तो ना कटे, क्योंकि चालान की फिगर बहुत ज़्यादा है। मैंने 6,100 रुपये जमा किया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप मत जमा कीजिएगा, अपने को बचाइए, सेफ ड्राइविंग कीजिए, सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए, और सरकार का इस नियम में साथ दीजिए। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसका ऑनलाइन पेमेंट करने का भी तरीका है, मैंने ऑनलाइन ही पेमेंट किया है, ये आपको हमारी दूसरी वीडियो में पता चल जाएगा कैसे इसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट जानना है कैसे करते हैं, तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा, हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे, ताकि अगर आपकी गाड़ी का चालान आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है कि नहीं, आपको केवल गाड़ी नंबर डालना है और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का चालान कटा है कि नहीं। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ।